हेलो गाइस, हमारा ऑनलाइन टीच में स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोग का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड अप्लाई कर देते हैं और उसके मैसेज आ चुका है और बट एटीएम कार्ड नहीं आया है, तो इसका कारण क्या है आज आप लोग को बताऊँगा मैं। और आप लोग अगर ब्रांच में भी जाते हैं तो नहीं मिलता है, तो इसका कारण सबसे पहले ये देखिए कि ये है सेंट्रल बैंक का रुपये कार्ड। ये मुझे एक दिन के बाद अप्लाई किया था फॉर्म भर के, तो 7 दिन बाद मुझे दे दिया गया था ब्रांच से ही। तो सबसे पहली बात की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है रुपए कार्ड भी देती है और मास्टर कार्ड भी देती है और वीज़ा कार्ड भी देती है। तो मेरे पास अभी दो फ़िलहाल कार्ड है, रुपए कार्ड और मास्टर कार्ड। तो इसका देखिए, मैं आप लोग को मैसेज आ जाता है कि आप लोग का एटीएम कार्ड इशूज हो चुका है, कि आपको मैसेज आ चुका है कि आपका एटीएम कार्ड इशूज हो चुका है और आप अपना जो है पिन जनरेट कर लीजिए, आप बना लीजिए एटीएम से या मोबाइल बैंकिंग से आप बना सकते हैं अपना पिन। तो इस तरह का मैसेज आता है, तो मैसेज जो आता है वो आपका जो मान लीजिए आपका ब्रांच है एक छोटी जगह में, यानी कि गांव एरिया या शहर एरिया कहीं भी है, तो इसका जो हेड ब्रांच होता है दिल्ली या कोलकाता या मुंबई, वहाँ से जो है आपका कार्ड बनता है। एक्चुअली वो आपका फॉर्म जो है ब्रांच में सबमिट लेके वो आगे फॉरवर्ड करता है कि मैसेज इससे एटीएम कार्ड चाहिए इस अकाउंट को, तो आपको फॉरवर्ड करता है वो मैसेज हेड ब्रांच में। हेड ब्रांच जो है आपका एटीएम कार्ड जारी कर देता है आपको 1 से 2 दिन या 7 दिन के अंदर या 1 मंथ के अंदर जारी कर देता है। लेकिन वो कार्ड जो है प्रिंट होके कार्ड में पीवीसी कार्ड में प्रिंट होके बैंक तक आने में उसे समय लग जाता है। कभी कभी 7 दिन में आ जाता है या 1 सप्ताह में आ जाता है या 1 मंथ में आता है, किसी का 2-3 महीना भी लग जाता है एटीएम कार्ड आने में। तो एटीएम कार्ड जो है पीवीसी कार्ड में प्रिंट होके, और सबसे पहली बात की सेंट्रल बैंक पोस्ट नहीं करता है। आप यहीं अगर एसबीआई की देखें तो वो 7 दिन में ही आपको अपना एटीएम कार्ड आपके घर पे मिल जाता है, चाहे कितना भी आपका गांव एरिया हो, शहर एरिया हो, कोई भी एरिया हो। शहर एरिया होने से और जल्दी आपको मिलता है, गांव एरिया में हल्का लेट हो जाता है। तो सेंट्रल बैंक का जो है पोस्ट नहीं करता, इसी कारण है जो ये लेट हो जा रहा है, इसी कारण आपको जो है कार्ड जल्दी नहीं मिलता है। और बैंक में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ बोल दिया जाएगा कि आपका कार्ड अभी तक नहीं आया, लेकिन आपका मैसेज आ चुका होता है कि आपका कार्ड बन चुका है। तो मेन कारण है यही कि आपका हेड ब्रांच से आपका कार्ड बना दिया जाता है, लेकिन जो ब्रांच आपने का जहाँ अकाउंट है वहाँ पर आपका कार्ड पहुँचने में टाइम लगता है, इसी कारण आपका जो है कार्ड मिलने में देर लगता है। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपको जो कार्ड मैं दिखा दूँ, ये देखिए, ये है सेंट्रल बैंक का मास्टर कार्ड और ये है सेंट्रल बैंक का रुपे कार्ड। रुपे कार्ड है जो काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है, क्योंकि इसमें चार्जेस कम है और इसमें आपको सभी तरह की सुविधा भी मिल जाती हैं। और सबसे पहले आपको रुपए कार्ड ही मिलेगा इस वाले में, और वो लोग खुद ही कटिंग करके आपका कार्ड को जो है अकाउंट के साथ लिंक कर देते हैं। अभी तो दूसरा सिस्टम निकल चुका है, अभी खुद ही लिंक हो आता है आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, मैसेज भी आपको आ जाता है, तभी भी एक बार अकाउंट को जो है लिंक करना पड़ता है। आप लोग मेरे चैनल में जो भी नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगेगी, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें जिन्हें सेंट्रल बैंक के एटीएम कार्ड का जो है पहुँचने में लेट लगता है।